वाराणसी में गठबंधन पर बात पक्की, रालोद नेता ने दिया बयान, कहा जल्द करेंगे घोषणा। डिप्टी सीएम पर राजभर का तंज, उप माने चुप, केशव कुछ बोलेंगे तो जीप काट लेगी बीजेपी। अखिलेश यादव को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए सपा विधायक सुभाष पासी, सैदपुर से विधायक हैं सुभाष पासी। महाराष्ट्र में एक्शन मोड में आईटी, अजीत पवार पर लिया गया बड़ा एक्शन, आईटी ने जब्त किए 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। धनतेरस की रौनक, जी हां, पूरे देश में आज धनतेरस की धूम देखने को मिल रही है। बाजारों में रौनक की अलग चमक देखने को मिल रही है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व हमेशा की तरह इस बार भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर, धनवंतरी देवता के साथ साथ यमराज की भी पूजा की जाती है, और ऐसा माना जाता है कि धनवंतरी देवता आरोग्य और स्वास्थ्य होने की मनोकामना पूरी करते हैं, और धनतेरस के दिन खरीदारी करना काफी शुभ माना जाता है। इस दिन बर्तन या फिर गहने की खरीदारी को काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में धनतेरस पर सोने चांदी के सिक्के खरीदने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, और इसीलिए चांदी के सिक्कों की खरीदारी की जाती है। तो आपको बता दें, धनतेरस की आज पूरे देश भर में धूम देखने को मिल रही है। बाजार सज चुके हैं, और ऐसे में बाजारों में रौनक खूब देखी जा रही है, लोगों की भीड़ खूब देखी जा रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज से दिवाली के त्यौहार भी शुरू हो चुके हैं। 5 दिन का दिवाली का ये त्यौहार होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से ही होती है, और इस दिन बाजारों में तो खूब रौनक देखने को मिलती ही है। कुछ लोग घरों में भी, अपने ऑफिसों में भी पूजा करते हैं, और ऐसे में इस दिन काफ़ी शुभ माना जाता है कि या तो सोने चांदी का कुछ खरीदे या फिर बर्तन खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए ये एक परंपरा है कि धनतेरस के दिन हर कोई कुछ ना कुछ अपने घर पर खरीद कर लेके आता है, और ऐसे में ये भी माना जाता है कि धनवंतरी देवता आरोग्य और स्वास्थ्य होने की मनोकामना पूरी करते हैं, और धनतेरस के दिन खरीदारी करना काफी शुभ माना जाता है। इसलिए इसी दिन कहा जाता है कि काफी बहुत शुभ होता है कि लोग जो है सामान बाजारों से खरीदें, और इसीलिए आज बाजारों में काफी रौनक भी देखने को मिल रही है। खासकर ज्वेलरी की दुकान पर काफ़ी लोगों की भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि सोने चांदी का सामान खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। महिलाएं अक्सर इस दिन जो है वो अपने लिए कुछ आभूषण खरीदती हैं, कोशिश करती हैं कि हम कुछ नया अपने घर लेकर आएं, और बर्तन खरीदना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। और कुछ लोग जो हैं वो अपने ऑफिसों में पूजा करते हैं, घरों में आज के दिन पूजा की जाती है, और इसीलिए आज पूरे बाजारों में रौनक भी देखने को मिल रही है। बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं, और धनतेरस पर धन की वर्षा हो रही है। देखिए, भारत की जो पावन भूमि है, आर्यावर्त में हम लोग हैं, और काबुल, कंधार, अफगानिस्तान जो भी है वो अखंड भारत का हिस्सा रहा है। आज परिस्थितियां बदली, जो हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक साक्ष्य मिलते हैं, जो आख्यान हैं, जो महापुरुषों के द्वारा सुना गया है, वो अखंड भारत का ही हिस्सा था। हम लोगों को अति प्रसन्नता हुई कि वहाँ की हमारी एक कन्या जो आतताइयों से पीड़ित है, जो आतंकवाद उग्रवाद से पीड़ित है, उसने भारत के और भगवान रामलला के चरणों में अपनी निष्ठा को दिखाते हुए वहाँ का काबुल नदी का जल भेजा है। निश्चित रूप से भारत की जो सीमा है, मर्यादा है, एक बार जो आप जानिए कि जो काबुल इस समय है अफगानिस्तान का एक शहर है, और उसका पुराना नाम, अभी नाम जो है वो कंधार है, और कंधार के पहले उसका नाम गंधार था, जहाँ शकुनी राजा हुआ करता था महाभारत काल में। तो एक प्रकार से देखें तो भौतिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से तो कंधार अफगानिस्तान भारत का ही एक हिस्सा था, लेकिन आज वहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं। आदरणीय साथियों, ये जो कार्य हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति से, आज ये 5वां दीपोत्सव की तैयारी हो रही है। संयोग है कि मुझे पिछले 4 दीपोत्सव में देखने का सूचना विभाग के तरफ से मिला है। आज ये तैयारियां हो रही हैं,
माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अपर मुख्य सचिव सागल जी, हमारे सूचना निदेशक श्री शिशिर जी और हमारे मंडलायुक्त एम पी अग्रवाल जी, हमारे पूर्व जिलाधिकारी अनुज कुमार झा जी और वर्तमान जिलाधिकारी जो हैं श्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन में चल रहा है। देखने के लिए मिल रही है अयोध्या में भी दिवाली को लेकर तैयारियां खूब जोरों शोरों से हो रही हैं और आज बाजारों में एक अलग ही रौनक देखने के लिए मिल रही है। और ऐसे में बाजारों में रौनक काफी लंबे समय बाद लौटी है क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से त्योहारों में वो रौनक नहीं दिख पा रही थी जो अक्सर देखी जाती थी कोरोना के पहले, लेकिन इस बार कोरोना के मामले भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक कम हुए हैं और उसके बाद सरकार ने भी गाइडलाइंस में काफी राहत लोगों को दी है और इसीलिए बाजारों में एक अलग ही रौनक देखने के लिए मिल रही है क्योंकि लोग खरीदारी करने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, खरीदारी करने बाजारों में पहुंच रहे हैं और ऐसे में बाजारों में की रौनक कुछ आज अलग ही देखने को मिल रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस यानी कि आज परसों दीपावली है और 2 दिन पहले ठीक आज धनतेरस का पर्व हमेशा की तरह इस बार भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर धनवंतरी देवता के साथ साथ यमराज की भी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि धनवंतरी देवता आरोग्य और स्वास्थ्य होने की मनोकामना पूरी करते हैं और धनतेरस के दिन खरीदारी करना काफी शुभ माना जाता है। इस दिन बर्तन या गहने की खरीदारी को काफी शुभ माना जाता है, इसीलिए आज सुबह से ही बाजारों में भीड़ लगनी शुरू हो गई है, रौनक एक अलग ही बाजारों में देखने को मिल रही है। पूरी तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं, हालांकि सरकार ने कोरोना को देखते हुए त्योहारों को देखते हुए गाइडलाइंस भी जारी की गई थी और इसीलिए हम आपको जगह जगह पर कैसी रौनक है, किस जगह पर क्या कुछ हो रहा है, इसीलिए तमाम जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे कि उनके जिले में उनके राज्य में किस तरह की रौनक देखने के लिए मिल रही है। इसीलिए लखनऊ से हमारे संवाददाता दानिश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दानिश, लखनऊ में आज धनतेरस के मौके पर कैसी रौनक आप देख पा रहे हैं? देखिए, दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है और उस दिन माता लक्ष्मी की और कुबेर की पूजा की जाती है और शुभ मुहूर्त के हिसाब से सभी लोग जो है इसका कार्यक्रम का आयोजन होगा। धनतेरस पर धनवंतरी और कुबेर की पूजा होती है और 5:37 पर शुभ मुहूर्त है और दूसरा मुहूर्त है 8:11 को और तीसरा है 6:18 पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाजारों की रौनक क्या है, हम दिखाना चाहेंगे कि लखनऊ में कितनी बाजारों की रौनक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि 2 दिन पहले धनतेरस में खरीदारी का काफी शुभ माना जाता है। तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं, तमाम लोग यहाँ पर हैं, भीड़ जुट चुकी है। जी बिल्कुल दानिश, अगर दुकानदारों की बात की जाए तो कितनी खुश कितने खुश वो नजर आ रहे हैं क्योंकि बीते 2 सालों की बात की जाए तो कोरोना की वजह से उतनी रौनक नहीं बाजारों में नजर आ रही थी, लेकिन इस बार राहत वाली बात यह है कि कोरोना के मामले में बहुत हद तक कमी आ गई, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि इस बार और ज्यादा डबल रौनक मार्केट में देखने के लिए मिल रही होगी। देखिए बिल्कुल, कोरोना एक लंबे समय काल तक चला और इस बार कोरोना सौभाग्य है कि दिवाली के बाद लोगों के नसीब में अच्छे से और ये दिवाली के 2 दिन पहले की बात है कि आज हम बोल रहे थे कोरोना अगर होता तो यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, दुकान के सभी लोग त्योहार को हर हर्षोल्लास की जगह न मना सकते। तो कह सकते हैं कि कोरोना जाने के बाद सबसे भाग्य वाली दिवाली रही है 2021 की। उत्तर प्रदेश में 2021 के साथ साथ पूरे देश में जो आज की दिवाली है ये भाग्यशाली किस तरीके से है कि कोरोना के चलते जो लोग निकल नहीं पा रहे थे, कोई खरीदारी नहीं कर पा रहा था, सभी लोगों की जो तमन्नाएं थी जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं कमी है हर्षोल्लास के साथ नहीं हो पा रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं, धूप पटाखे भी तमाम लगे हुए हैं और मूर्तियां भी भगवान की लगी हुई है, इस तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं। लखनऊ में काफी ज्यादा चहल पहल है कि सुरक्षा व्यवस्था भी साफ पाबंद है और मार्केटों में भीड़ भाड़ है और वहां पर ट्रैवलिंग की व्यवस्था को बंद कर दिया गया, यानी कि लोग देख सकते हैं कि 2 व्हीलर जो है जो बाइक वगैरह है वो आ जा सकती है जी। बिल्कुल दानिश, लेकिन देखिए महंगाई इस समय बहुत है तो क्या बाजारों में महंगाई का असर देखा जा रहा है, क्या उतनी भीड़ नहीं दिख रही कि जितनी सामान्य तौर पर होनी चाहिए थी, या फिर महंगाई का कोई असर जनता पर नहीं पड़ रहा, उतनी ही भीड़ देखी जा रही है जैसे आमतौर पर पहले के सालों में देखी जाती थी? देखिए आस्था की बात की जाए कि आज सबसे बड़ा त्योहार है तो लोग दिवाली को लेकर महंगाई को नहीं दे रहे,
हाँ ये सच बात है कि उनका घर का बजट बिगड़ा हुआ है और गांव में भीड़ भाड़ है, टहल पहले लोग भगवान की मूर्तियाँ खरीद रहे हैं, जैसे गणेश जी की मूर्तियाँ खरीद रहे हैं माता लक्ष्मी की। तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ कि महंगाई तो है लेकिन अब थोड़ी बाद वो महंगाई को भूल गए, हो सकता है कि दिवाली के बाद फिर लोगों को जो घर को लेकर के या किचन को लेकर के महंगाई का सवाल उठे, लेकिन आज के दिन उनको महंगाई का असर कोई असर नहीं दिख रहा है क्योंकि लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही है और काफी हद तक शॉपिंग हो रही है क्योंकि यहाँ भीड़ लगी हुई है और मैं खुद यहाँ पर लाइव लखनऊ से खड़ा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भीड़ का हुजूम है जी। बिल्कुल बिल्कुल दानिश, आपके पीछे भीड़ का हुजूम है, मैं चाहूंगी कि आप वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे कुछ बातचीत करिए, उनसे जानिए कितने उत्साहित हैं और कि क्या क्या वो खरीदारी कर रहे हैं, क्या कुछ आगे करेंगे वो। जी बिल्कुल, देखिए मेरे सामने एक भाई साहब खड़े हैं, दिवाली को लेकर के कितना उत्साहित है और कोरोना काल खत्म हुआ, आपको क्या लगता है ये आगे साल कितनी दिवाली आएगी? दो साल के बाद जो पहले सही है लेकिन जिस हिसाब से पहले काम होता तो नहीं है, मतलब ये मानते हैं कि कोरोना के बाद दिवाली बहुत खाली नहीं, मतलब अभी भी कुछ कसर है जैसे पहले के मुकाबले में कोरोना काल बार बढ़ जाते हैं लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं है, कुछ खरीदा आप लोगों ने? नहीं ऐसा क्या मतलब लगता है घरों में आपके आपको दिवाली आज के दिन शुभ माना जाता है कि खरीदना दो दिन वाले पैसे निकालते हैं हमारे साथ और भी दुकानदार हैं, दुकानदार के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि मतलब कितनी दुकानदारी रही और क्या सेल रहा। बिल्कुल दानिश, दुकानदारों से भी पूछिए कि आखिर जितनी भीड़ आज आनी चाहिए थी, जितने कस्टमर्स आज मार्केट में आने चाहिए थे, उतनी संख्या में पहुंच रहे हैं या फिर कमी है कोई देखी जा रही है? कोरोना काल को लेकर के दिवाली इस बार है, आज दिवाली है तो क्या खरीदारी हो रही है या कुछ पहले से बहुत बेकार है मार्केट में भीड़ भाड़ है मतलब कम खरीदारी है। कम खरीदारी है, महंगाई को मानते हैं कि महंगाई की वजह से क्या फर्क पड़ रहा है? प्लस से बहुत जो नौकरियां गई हैं उनकी तक या सैलरी की क्या कोरोना को लेकर के मतलब खरीदारी हुई या महंगाई को लेकर? कोरोना को भी लेकर के और महंगाई को भी लेकर, पहले ₹90 लीटर पेट्रोल की खरीदारी का सबसे बड़ा सर रहा वो पेट्रोल तो चाहेंगे हमारे साथ यहाँ पर दुकान। चलिए ठीक है दानिश, दानिश चलिए ठीक है, यानी कि साफ तौर पर लखनऊ में देखा जा सकता है कि महंगाई का असर बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह नज़ारा हम दिखाने के लिए हमारे दर्शकों को। तो ऐसे में आज पूरे देश भर में धनतेरस की धूम है, बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं, बाजारों में रौनक देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अगर लखनऊ की बात की जाए तो हमारे संवाददाता लखनऊ की ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर साफ तौर पर दुकानदारों में कहीं ना कहीं थोड़ी मायूसी देखने को मिल रही है क्योंकि बाजारों में उतनी भीड़ नहीं पहुंच पा रहे, उतने खरीदार नहीं पहुंच पा रहे जितने आम तौर पर होते थे क्योंकि महंगाई सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। तो चलिए ऐसे में हरिद्वार से भी हमारे संवाददाता ऋषभ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो हरिद्वार की रौनक क्या कुछ है, किस तरह की तस्वीर वो देख पा रहे हैं वो आपको बताएंगे। ऋषभ, आज धनतेरस की धूम पूरे देश में देखी जा रही है, हरिद्वार की कैसी तस्वीरें हैं, किस तरह की रौनक आप देख पा रहे हैं? ऋषभ मेरी आवाज मिल रही है आपको? ऋषभ आपकी आवाज में मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, बोलिए बोलिए, अब आ रही है ऋषभ आपकी आवाज? जी जी दीपावली आपको बता दें कि जो स्थिति है यहाँ दीपावली पर के बाद
चलिए ठीक है, शायद कोई नेटवर्क इश्यू है और ऋषभ की तरफ से हमारा संपर्क सही से नहीं हो पा रहा, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में लगातार आज हम इसीलिए स्पेशली आपके लिए ये खास बुलेटिन लेके आए हैं, जहां पर आज हम देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग जिलों से आपको दिखाएंगे कि बाजारों में किस तरह की रौनक देखने के लिए मिल रही है, क्या बढ़ती महंगाई का असर बाजारों पर आज पड़ रहा है या कोई असर बाजारों पर नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ के बाजारों पर पूरा असर देखा जा सकता है महंगाई का, क्योंकि बढ़ती महंगाई की वजह से लखनऊ के बाजार कहीं ना कहीं उतनी रौनक बाजारों में नहीं देखने के लिए मिल रही है, सूना सूना सा नजारा देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि उतनी संख्या में खरीदार उतनी संख्या में लोग मार्केटों में नहीं पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी वजह इसकी महंगाई बताई जा रही है। हालांकि कोरोना इसकी वजह नहीं है, क्योंकि कोरोना के मामले में काफ़ी हद तक कमी आ गई है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, जिसकी वजह से आज के दिन भी दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी है। क्योंकि जिस तरह से दानिश ने लखनऊ की तस्वीर दिखाई, दुकानदारों से साफ तौर पर बात की, उन्होंने यही कहा कि जितनी संख्या में लोग आने चाहिए थे मार्केट में, खरीदार आने चाहिए थे मार्केट में, उतने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके देखा जाए तो बाजारों में जो लोग खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं, जो सामान उतना ही खरीद रहे हैं जितना अक्सर खरीदते हैं, तो ऐसे में आज पूरे देश भर में रौनक देखने के लिए मिल रही है धनतेरस की और बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार मार्केटों में कुछ ऐसा ही नजारा आज देश भर के कोने कोने से नजर आ रहा है, देखने के लिए मिल रहा है, भगवान की मूर्तियां वहां पर मिल रही हैं। और ऐसे में आज के दिन काफी शुभ माना जाता है बर्तन खरीदना या फिर गहने खरीदना सोने चांदी के, इसीलिए आज के दिन महिलाओं की ज्यादा भीड़ देखी जाती है बाजारों में, क्योंकि महिलाएं अक्सर आभूषण खरीदती हैं, घर के लिए बर्तन खरीदती हैं, इसलिए सबसे ज्यादा भीड़ की बात की जाए तो महिलाओं की ही देखी जाती है। और ऐसे में काफी शुभ भी माना जाता है आज के दिन गहने और बर्तन खरीदना, और ऐसे में धनतेरस पर सोने चांदी के सिक्के खरीदने की भी परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है, और इसीलिए के सिक्कों की खरीदारी भी आज के दिन की जाती है। और इसीलिए आज हम आपको बार बार अलग अलग जगहों की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां से साफ तौर से ये देखा जा सकता है कि रौनक किस तरह से है। अभी आपको हमने लखनऊ की तस्वीर दिखाई थी, लखनऊ के बाजारों का क्या नज़ारा था ये दिखाया था, आगे भी हम आपको कहीं और लेकर चलेंगे, किसी और ज़िले की किसी और राज्य की तस्वीर दिखाएंगे कि वहाँ के बाजारों में आज कितनी रौनक देखने के लिए मिल रही है, वहाँ कैसा नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। हालाँकि देखिए धूम तो पूरे देश में आज धनतेरस की है, लेकिन कहीं कहीं पर दुकानदारों के चेहरों पर आज मायूसी भी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि उतनी संख्या में लोग नहीं पहुँच पा रहे, खरीदार उतनी संख्या में वहाँ पर बाज़ारों में नहीं पहुंच पा रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं हर बीते दिन, तो ऐसे में कहीं ना कहीं महंगाई का असर आज धनतेरस के दिन बाजारों में और खरीदारों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ता है महंगाई का। और इसीलिए आज लोग बहुत सोच समझकर बाजार जा रहे हैं, बहुत सोच समझकर सामान खरीद रहे हैं, और ऐसे में आपको बता दें कि पूरे धनतेरस के दिन काफ़ी शुभ माना जाता है बर्तन खरीदना, सोने चांदी के सिक्के खरीदना। और ऐसे में आपको बता दें कुछ लोग घरों में भी पूजा करते हैं, कुछ लोग अपने ऑफिसों में भी पूजा करते हैं और साथ ही साथ बाजारों में सामान खरीदने के लिए जाते हैं, इसीलिए पूरे जो बाजार हैं आज पटे पड़े हैं सामानों से, लोगों से पटे पड़े हैं, क्योंकि लोगों की काफ़ी भीड़ आज के दिन बाजारों में पहुँचती है, इसीलिए आज के दिन बाजारों की रौनक कुछ अलग ही देखने के लिए मिलती है। और आपको बता दें कि दीपावली से ठीक दो दिन पहले यानी कि धनतेरस पर आज धनतेरस का पर्व हमेशा की तरह इस बार भी काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, और ऐसे में धनतेरस के दिन आपको बता दें कि धन के देवता कुबेर धनवंतरी देवता के साथ साथ यमराज की भी पूजा की जाती है, कुछ लोग अपने दफ्तरों में पूजा करते हैं, कुछ लोग अपने घरों में पूजा करते हैं, और आज के दिन गणेश जी लक्ष्मी जी खरीदना भी काफ़ी शुभ माना जाता है, सोने चांदी के सिक्का खरीदना भी काफ़ी शुभ माना जाता है, बर्तन खरीदना भी काफ़ी शुभ माना जाता है, इसीलिए आज देश भर के सभी बाजारों में काफ़ी रौनक देखने के लिए मिल रही है, बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं, क्योंकि आज से दीपावली का 5 दिन का ये त्यौहार शुरू हो चुका है, आज धनतेरस का त्यौहार है, कल छोटी दीपावली मनाई जाएगी, परसों दीपावली मनाई जाएगी और उसके अगले दिन गोवर्धन की पूजा की जाएगी और फिर भाई दूज के साथ इस त्यौहार का समापन हो जाएगा। और ऐसे में आज पूरे देश भर में धनतेरस की धूम देखने के लिए मिल रही है, लेकिन आने वाले 5 दिनों तक इसी तरह की धूम पूरे देश में
अलग अलग कोनों में देखने के लिए मिलेगी और खूब लोगों में उत्साह आज देखा जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की, जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। सभी देशवासियों को बहुउद्देश्य किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड औरंगाबाद हरिद्वार के अध्यक्ष अश्विनी कुमार और सचिव प्रवीण कुमार की ओर से दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों से अपील है कि भाईचारे के इस पर्व को सभी लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मिलजुल कर त्योहार मनाएं। दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को बहुउद्देश्य किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड पथरी हरिद्वार के अध्यक्ष महावीर सिंह रावत और सचिव प्रताप सिंह की ओर से दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों के इस पर्व को सभी देशवासी मिलजुल कर मनाएं। सभी देशवासियों को बहुउद्देश्य जमालपुर कला किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड हरिद्वार के अध्यक्ष अनिल कुमार और सचिव विश्वनाथ की ओर से दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी प्रदेश और देशवासियों को बहुउद्देश्य किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड भाद्राबाद हरिद्वार की ओर से दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों से अपील है कि भाईचारे के इस पर्व को सभी लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाएं। आप सभी क्षेत्रवासियों को, इस प्रदेशवासियों को, मेरे देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली के इस पर्व पर आप सब लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस दीपावली के उत्सव को मनाएंगे, ऐसी मेरी आशा और अपेक्षा है। एक बार पुनः सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, भैया दो छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर बी दास, सर्जन पीलीभीत, आप सभी को पीलीभीत वासियों एवं समस्त देशवासियों को धनतेरस, दीपावली वह गंगा स्नान के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप लोग सभी अपना त्यौहार बहुत अच्छी प्रकार से मनाएं तथा ध्यान भी ये भी रखें कि कोरोना का समय चल रहा है और इस समय सभी लोग दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर बिल्कुल ना जाएं, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें, दूरी बनाकर रखें। तथा मैं ये भी सबसे अनुरोध करता हूँ कि आगामी आने वाले चुनावों में सभी लोग अपना कीमती वोट उचित कैंडिडेट को अवश्य दें। मैं दुर्गाचरण गुप्ता और पन्ना भैया सभी क्षेत्रवासी व प्रदेशवासियों को धनतेरस व दीपावली और भैया दूज और गंगा स्नान जैसे पावन पर्व सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। राज वर्मा, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश। साथियों, सभी क्षेत्रवासियों के लिए, प्रदेशवासी और देशवासियों के लिए धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और गंगा स्नान जैसे पावन पर्वों की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो मतदाता पुनरीक्षण सूची का विशेष अभियान नवंबर के महीने में चलाया जा रहा है, उसमें जिन जिन लोगों के वोट छूट गए हैं वो सभी अपने वोट जरूर बनवाएं और लोकतंत्र के महापर्व 2022 के विधानसभा के चुनाव में सभी लोग मतदान भी अवश्य करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। मैं शुएब खान,
127 विधानसभा प्रत्याशी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, आप सभी देश व प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, गंगा स्नान जैसे पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सबसे पहले तो सभी प्रदेशवासियों को, सभी रुड़की वासियों को विनय विशाल परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की, भाई दूज की। ईश्वर करे इस बार सभी प्रदेशवासियों के लिए, सभी नगरवासियों के लिए यह त्यौहार खुशियों भरा हो, सुख भरा हो। जैसा कि आपको मालूम है, आजकल आप अखबारों में भी पढ़ रहे होंगे, साथ में आपके माध्यम से भी लोगों को अवगत कराया जा रहा होगा, डेंगू इस समय काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप ले रहा है। उसके लिए बचाव अति आवश्यक है। घर के आसपास सफाई रखें, कूड़ा ना जमा होने दें, मच्छर मार दवा का छिड़काव करें, वह हल्का सा बुखार आने पर ही अपनी जाँच तुरंत करें, वह डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसमें प्रदेश सरकार की द्वारा भी योजना चलाई जा रही है, वह अटल आयुष्मान योजना भी चल रही है, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई फाइनेंशियली उतना साउंड नहीं है तो अटल आयुष्मान योजना में भी, विनय विशाल अस्पताल में भी आके अपना उपचार ले सकता है। दीपावली की सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अच्छाई से बुराई की ओर, अंधेरे से रोशनी की ओर हम लोग जाएंगे। दिवाली हमारा त्यौहार है, दिवाली लोग हर्षोल्लास मनाएं, ग्रीन दिवाली मनाएं और सबसे प्रेम करें, सबकी सेवा करें। यही संदेश देना चाहूँगा कि दिवाली पर संकल्प लें कि हम लोग अच्छा काम करेंगे और देश के हित में सोचेंगे, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। जय हिंद, जय भारत। दीपावली पे हम सबसे पहले पूरे भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और सभी को एक सलाह देते हैं कि कोई भी पटाखे ना चलाए और कोई नशाखोरी ना करे, शांतिपूर्वक ये अच्छा मतलब पूरे भारतवर्ष में बड़ी शांतिपूर्वक ये पर्व मनाया जाए। मैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से हूँ और अभी मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ और दीपावली की सभी पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और दीपावली पर जो भी आप अपना दीपक जला करके अपनी दिवाली मनाएं, यही मेरी आपसे सबसे हार्दिक शुभकामना है। पूरा पानी जैसे रूटीन में मिलता है सुबह शाम, वैसे मिलेगा और लाइट अच्छी रही तो पानी कट नहीं होगा, पानी कंटिन्यू मिलेगा। दीपावली पर क्या संदेश देना चाहिए? बस यही कहेंगे कि भाई सभी लोग, सभी हमारे उपभोक्ता हैं, जितने भी हमारे ज़िले के हैं, सब लोग वह खुशहाली से दीपावली बढ़िया से मनाएं और हमारी तरफ से सबको शुभकामनाएं होंगी। नमस्कार, मैं रुचिन यादव, पीएम सहारनपुर। मैं अपनी और ऑफिस की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी आप लोगों से यही अपेक्षा है कि इस दीपावली के पर्व पर पटाखे ना छोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाएँ, जिससे कि एनवायरनमेंट पर पॉल्यूशन का इफेक्ट कम पड़े। एटा में प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने जनसभा को किया संबोधित, समाजवादी पार्टी पर दिया बयान, कहा मुलायम सिंह को बनाया मुख्यमंत्री। सिद्धू ने चन्नी के खिलाफ फिर खोला मोर्चा, का चुनाव से पहले दिया जा रहा लॉलीपॉप, सरकार कहां से करेगी व्यवस्था। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी, कोविड 19 के 10,423 नए मामले दर्ज, 24 घंटों में 443 मरीजों की मौत। मथुरा में तार से लटका मिला मासूम का शव, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। एटा सामाजिक परिवर्तन यात्रा में प्रसपा सुप्रीमो शिवपाल यादव ने विशाल जनसभा की, वहीं शिवपाल सिंह यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 12 अक्टूबर से मथुरा से बांके बिहारी की पूजा करके निकले हैं, हमने समाजवादी पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया है, 3 बार सरकार बनवाई है, कई बार सरकार गिराई भी है, मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया है। वहीं शिवपाल यादव ने इसी दौरान प्रदेश सरकार पर भी खूब तंज कसा है।
तो शिवपाल सिंह यादव ने जनसभा को संबोधित किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, परिवर्तन यात्रा लेकर एटा पहुंचे और यहां पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम लगातार सबको साथ लेकर चल रहे हैं और हमने 3 बार सरकार बनाई भी है और कई बार सरकार गिरवाई भी है। मथुरा के थाना सुरेश क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक्सप्रेसवे के कटीले तारों में एक मासूम का शव लटका मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की तरफ से हत्या कर लटकाए जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मथुरा में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। ये तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते किस तरह से मासूम को बिजली के कटीले तारों में लटकाया गया है। हालांकि फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में हत्या की आशंका जता रही है। मासूम के शव को कब्जे में लेकर पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ये पूरी खबर जो है वो मथुरा के थाना सुरेश क्षेत्र से सामने आई, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक्सप्रेसवे के कटीले तारों पर एक मासूम का शव लटका मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की तरफ से हत्या कर लटकाए जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो मथुरा का ये पूरा मामला है, जहां से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो पूरी तरह से सनसनीखेज। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए सुरेश सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? बेहद ही दर्दनाक तस्वीरें, मासूम को इस तरह से उल्टा लटकाया गया है तारों के बीचों बीच। जी काजल, मैं आपको बता दूं, मथुरा के थाना सुरी क्षेत्र का यह मामला है, जहाँ पे यमुना एक्सप्रेस के किनारे तारों पे जो बालक का शव मिला है, जो की लटका हुआ था, और जिसकी जानकारी सुबह वहां से जब स्थानीय लोग वहां से निकल रहे थे तो उनको लगी, और उन्होंने तुरंत इस मामले की जैसे ही सूचना पुलिस को दी तो पुलिस में हड़कंप मच गया, क्योंकि एक बालक का आज अगर देखा जाए तो त्योहार का मौसम है, त्योहार के समय इस तरह की घटना होना एक बड़ा संगीन मामला देखा जाता है। जिस तरह से कि बच्चे की हत्या करके उसको कटीले तारों पर फेंक दिया गया है। हालांकि अभी पुलिस ने इस मामले में लेकर के कोई भी औपचारिक जो है बयान जारी नहीं किया है। हमारी जिस तरह से बात हुई, पुलिस अभी तक यह भी नहीं पता लगा सकी है कि यह बालक जो है वो कौन है। तो अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे काफी लंबा रोड है, काफी लंबा एक्सप्रेस वे है, तो हो सकता है कि कहीं से अपहरण करके या कहीं से हत्या करके इस बच्चे की सबको यहाँ फेंका गया हो। हालांकि पुलिस इस मामले में पूरे में जुटी हुई है, जांच कर रही है, और पुलिस ने मृतक बालक के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। बिल्कुल, अगर इस पूरे मामले को हम देखें तो बेहद ही दर्दनाक ये मामला है। मथुरा से तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में किस तरह की आशंका जता रही है और क्या मासूम की शिनाख्त हो पाई है? जी, अभी तक जिस तरह से हमारी एसपी देहात से बात हुई थी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अभी तक बच्चे की मौत की जो है ना तो कारण का पता चला है और ना ही अभी बच्चे की शिनाख्त हो सकी है कि ये बालक कहाँ है, कहाँ का है, कैसे यहाँ पे आया, किसने फेंका है, क्योंकि पूरा मामला यमुना एक्सप्रेस में एक बड़ा रोड है और उससे चलते हुए कटीले तारों में ये बच्चे का शव मिला है। तो उसको लेकर के पूरे मामले को भी जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है कि कहीं कोई सुराग लगे, कहीं किसी तरह से का कोई जो है इसका पता चल सके, लेकिन अभी पुलिस जांच पड़ताल लगी है कि कुछ मामला पोस्टमार्टम के होने के बाद ही इसका पता चल सकता है कि कहीं कहां कब इसकी मौत हुई, कैसे यहां उसको फेंका गया, अब किस तरह से इसकी मौत की गई है, हत्या है या कुछ और ही कारण है। बिल्कुल, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो किस तरह की तस्वीरें फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि गांव बहुत दूर है जिस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन एक्सप्रेसवे से बेहद करीब है। जी बिल्कुल, ये एक्सप्रेसवे के बिल्कुल जो है बैरिकेडिंग है उसी एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ लगाई हुई है, और थाना सुरी क्षेत्र के माइलस्टोन 78 की ये घटना है, जो कि रात में किसी समय हो सकता है ये बालक का शव यहाँ फेंका गया हो। आज सुबह जब स्थानीय लोग वहां से टहलने अपने खेतों पे जा रहे थे, तब कुछ लोगों ने इसको देखा और उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस को सूचना दी, और पुलिस उस मौके पे पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजा। लेकिन उसके साथ साथ पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, आखिर की किस तरह से बच्चे का शव यहाँ आया और कौन ये बालक है, क्योंकि इसकी अभी तक शनाख्त नहीं हुई है। लेकिन अब ये जांच में ही आगे पता चल सकेगा, कहीं आसपास के किसी जिले में या किसी क्षेत्र में कहीं किसी की गुमशुदगी हो, किसी को तलाशा जा रहा हो, जहाँ पे बच्चा गायब हो,
उसके बाद या कहीं कोई FIR दर्ज हुई हो उसके बाद ही फिर ये पता चल सकेगा कि ये बच्चा जो व्यक्ति मृत बालक। ठीक है, सुरेश शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मथुरा से सनसनीखेज वारदात सामने आई, यानी कि अपराधी घटनाएं लगातार प्रदेश में बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। मथुरा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, मासूम बच्चे का शव यहां पर तारों के बीचों बीच लटका हुआ है, लेकिन अब तक मासूम की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। पुलिस इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है, ना तो मासूम की शिनाख्त हो पाई है और ना ही आसपास के लोग इस पूरे मामले पर कुछ भी बोल पा रहे हैं, क्योंकि अचानक से उन्होंने शव देखा, इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को नीचे उतारा है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो यानी कहा जा सकता है कि प्रदेश में भले ही पुलिस अपनी पीठ थपथपाती हो कि वह अपराध को अंकुश लगाने में पूरी तरह से कामयाब है, लेकिन तस्वीरें ऐसी हैं कि बार बार सामने आ ही जाती हैं। मासूम जो तारों से, कटीले तारों से उसके बीचों बीच लटका हुआ मिला है, फिलहाल ये हत्या है या आत्महत्या या कोई और वजह है, इसकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस लगी हुई है। तो मथुरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लक्सर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लक्सर पुलिस की तरफ से एक निर्माणधीन मकान से मोटर और हैंडपंप चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए लक्सर कोतवाल प्रदीप चौहान ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक निर्माणधीन मकान से चोर मोटर और हैंडपंप को चोरी कर रहे हैं, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके से 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। साथ ही चोरी में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल को भी सीज कर दिया गया। उन्होंने बताया कि तीनों चोरों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है। तो लक्सर की तस्वीरें जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। राहुल अग्रवाल द्वारा एक सूचना दी गई थी कि उनके एक निर्माणाधीन भवन में जो है 3 चोर जो है मोटर चोरी और हैंडपंप चोरी कर रहे हैं। इस पर 3 लोगों को मौके पे ही पकड़ कर उनसे माल बरामद किया गया है और जिस मोटरसाइकिल में है उसको भी सीज किया गया है। आज इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में लैंडस्लाइड विस्फोट में शहीद हुए सपूत ऋषि रंजन का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ समरिया घाट पर किया गया। ऋषि रंजन सिंह के पिता राजीव रंजन सिंह ने मुखाग्नि देकर अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया। देशभक्ति का आलम यह था कि ऋषि रंजन सिंह की शव यात्रा में हजारों लोग शरीक हुए और 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बेगूसराय से सिमरिया गंगा घाट पहुंचे, जहां पर डीएम अरविंद कुमार वर्मा, SPI अवकाश कुमार, आर्मी के कमांडेंट, बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह सहित कई जनप्रतिनिधियों ने शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देखिए, लेफ्टिनेंट ऋषि के शहादत को लेकर के पूरे बिहार और बेगूसराय में गुस्सा कालम ये है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के नौजवान पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये आक्रोश है पाकिस्तान के कायरतापूर्ण रवैये के कारण। और मैं इतना ही कहूँगा कि ऋषि का परिवार एक ऐसा परिवार था कि 5-5 लोग राष्ट्र की सेवा में सेना में थे और आने वाले दिन ऋषि की शहादत बेकार नहीं जाएगा। रोहतास के सासाराम नगर क्षेत्र में दीपावली को लेकर नगर निगम की तरफ से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मोहल्ले की सफाई की जा रही है, लेकिन अभी भी कई मोहल्लों में कचरे का अंबार लगा हुआ है। सासाराम के उत्क्रमित नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि दीपावली तक पूरे नगर की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाएगी। जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के निर्देश पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सफाई के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, वहीं मानव बल को भी बढ़ावा दिया गया है। रोहतास की तस्वीरें जहां पर कचरे का अंबार लगा हुआ है, नगर निगम इस पूरे मामले पर स्वच्छता अभियान चला रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नगर निगम बार बार कहता है कि हम साफ सफाई पर बेहद ध्यान दे रहे हैं, उसके बावजूद भी जगह जगह गंदगी का अंबार लगा रहता है। तो रोहतास की तस्वीरें आप देख रहे हैं, नगर निगम यहां पर स्वच्छता अभियान चला रहा है।
रोहतास के सासाराम रेलवे स्टेशन पर इन दिनों चौकसी बढ़ा दी गई है क्योंकि त्योहार का मौसम है। देश के दूसरे राज्यों से लोग बिहार लौटने लगे हैं जिसको लेकर रेल प्रशासन मुस्तैद है और लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि यात्रा के दौरान यात्री पूरी तरह से सजग रहें। आरपीएफ के जवानों ने सोमवार की शाम स्टेशन परिसर में माइकिंग किया और यात्रियों से जागरूकता रहने की अपील की। साथ ही किसी भी तरह के असामाजिक तत्व को देखते ही पुलिस प्रशासन को सूचित करने और कोई समस्या होने पर टोल फ्री नंबर पर फोन करने की सलाह दी है। तो रोहतास की तस्वीरें, रेलवे स्टेशन पर चौकसी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है, जो भी यात्री यहां पर पहुंच रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। हाँ, चूंकि अभी मेला बीता है और इसके बाद तत्काल जो है त्योहारी सीजन है, दीपावली आ रही है, इसके बाद तत्काल छठ होगी क्योंकि बिहार का बहुत ही परंपरागत त्यौहार है ये। बहुत से बाहर से लोग जो भी दिल्ली, बंगलौर, हैदराबाद और हरियाणा, पंजाब से हैं जो यहाँ के प्रवासी, वो इस त्यौहार में अपने घर आते हैं और इसमें अनसोशल एलिमेंट आपराधिक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं, तो इन पर पैनी निगाह रखी जा रही है। हाई ऑफिशियल ऊपर से ऑर्डर है और अपने सभी स्टाफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है कि जब भी कोई ऐसी वारदात हो या ऐसी सूचना हो, संदिग्ध दिखाई दे, तत्काल उसे निपट किया जाए और सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपरिचित व्यक्तियों से कोई मेलजोल नहीं बढ़ाना है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में दबंगों की तरफ से गार्ड को पीटने का मामला सामने आया। गार्ड की केवल इतनी गलती थी कि उसने कार सवार को गलत दिशा में आते हुए टोक दिया। इतने में कार सवार दोनों युवक आग बबूला हो गए और उन्होंने गार्ड के साथ पहले गाली गलौज की, उसके बाद गार्ड के साथ बेरहमी से मारपिटाई की है। मारपिटाई की घटना सोसाइटी के गेट पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित गार्ड ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर लेकर सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें, कार सवार दबंगों ने गार्ड को जमकर पीटा है। गार्ड की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने, जो कार सवार थे, उनको ये बोला कि दूसरी तरफ गाड़ी को खड़ा करें। ऐसे में जो कार सवार थे वो आग बबूला हो गए और गार्ड की जमकर पिटाई कर दी। तो ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं, पुलिस ने पीड़ित की तहरीर लेकर सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मतलब वो बैक साइड में उल्टी गाड़ी निकाल ली, हमने मना किया तो उन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की, मारपीट की, हमारे सीनियर के साथ भी की। अच्छा जी, और फिर क्या हुआ, मतलब कि आप पुलिस को फोन करा आपने? फिर पुलिस को फोन किया, वो वहां पे अपना एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए हुए हैं। हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात कारणों से दो दुकानों में भीषण आग लग गई जिसके चलते दोनों दुकान जलकर राख हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर जब तक काबू पाया, दोनों दुकानों से करीब 6 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया था। वहीं आग लगने के कारण का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। हरदोई की तस्वीरें जहां पर आग लगने से 6 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। कपड़े और परचून की दुकानों में भीषण आग लगी, हालांकि जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया था। हरदोई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कपड़े की दुकानें थी और ये दुकानें बंद थी और धुआं जब निकलता हुआ देखा गया तो जैसे जानकारी हुई कि शायद लाइट की शॉर्ट सर्किट की वजह से इसमें आग लग गई। भारी नुकसान हो गया, दोनों दुकानों में आग लग गई है। एक दुकान में सामान रखा हुआ था, चीनी और उसका रिफाइंड तेल वेल था, उसमें भी आग लग गई है। पूरी कपड़े की दुकान पूरी जल के खाक हो गई है। थाना कोतवाली शहर के सैयापुरवा क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई है कि दो दुकानों में आग लग गई। सूचना पर मैं और सिटी मजिस्ट्रेट साहब मौके पर पहुंचे, तत्काल फायर टेंडर की गाड़ियों को बुलाया गया, दोनों दुकानों में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। लगभग सारा सामान इसमें जल चुका है। जो दुकानदार हैं उनसे बात की गई तो पता चला कि लगभग 5 से 6 लाख रुपए का उसमें नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि बहन बेटियां दूर ना जाएं, घर में शौचालय बनवाएं, खुले में शौच ना करें, साफ सफाई का ध्यान रखें। आपको बता दें कि बलरामपुर कलेक्ट्रेट भवन में बने शौचालय में बरसों से गंदगी का अंबर लगा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कलेक्ट्रेट भवन शौचालय में बरसों से साफ सफाई नहीं हुई है। कलेक्ट्रेट भवन में आने वाले फरियादी गंदगी से शौचालय देखकर खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। बलरामपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगातार
गांव-गांव में शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है, तो वहीं बलरामपुर के कलेक्ट्रेट भवन में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि डीएम ऑफिस का शौचालय गंदगी का अंबार बना हुआ है और चारों तरफ गंदगी के अलावा यहां पर कुछ भी नजर नहीं आता है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,423 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 443 लोगों की मौत हो गई। नए आंकड़ों के साथ ही अब तक इस संक्रमण से कुल 4,58,880 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीज अब घटकर 1.53 लाख रह गए हैं, जो कि 250 दिन बाद आए सबसे कम एक्टिव केस हैं। देश के लिए ये राहत की बात है कि कोरोना केस के सक्रिय मामलों में लगातार कमी होती जा रही है। वहीं मंत्रालय ने जानकारी दी है कि कोरोना से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 3,36,43,581 हो गई है। एक तरफ जहां भारत के कई राज्यों में कोरोना मामलों में कमी आई है, तो वहीं केरल ऐसा राज्य है जहां से कोरोना के मामले सबसे ज्यादा अब भी दर्ज हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार केरल में 1 नवम्बर को 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जिनमें से 78 लोगों की जान चली गई। वहीं केरल के अलावा बंगाल और असम में भी संक्रमितों के मामले बढ़ने लगे हैं। दोनों ही राज्यों में साप्ताहिक संक्रमण दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि ये बढ़त ऐसे समय में हुई है जब त्योहार के कारण राज्यों में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार भी धीमी है। तो पिछले 24 घंटों में 443 मरीजों की मौत हुई है। देश में कोविड के करीब 10,423 नए मामले दर्ज किए गए हैं। धीरे धीरे ये संख्या कम हो रही है, लेकिन अभी भी कोरोना के आंकड़े पूरी तरह से शून्य नहीं हुए हैं। हरदोई के माधोगंज में जिन्ना को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नेतृत्व में बीजेपी के पदाधिकारियों ने पुतला जलाया और कहा कि अखिलेश यादव के बयान ने न सिर्फ लोह पुरुष का अपमान किया बल्कि स्वाभिमानी पटेल बिरादरी का भी अपमान किया है और इस अपमान का बदला आने वाले चुनाव में जनता अखिलेश यादव को जरूर देगी। दरअसल अखिलेश यादव ने माधोगंज में एक जनसभा में जिन्ना को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से वो राजनीतिक विवाद में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ बीजेपी कार्यकर्ता इसकी निंदा कर रहे हैं, साथ ही साथ इस पूरे मामले में राजनीति भी खूब हो रही है। कल मल्लावा की धरती पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब हम लोग अखंड भारत निर्माता सरदार भाई पटेल के जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाए थे, तब ने मल्लावा की धरती पर उनको अवगत करने का काम किया है और जिन्ना को उनके कच्छ बना उनका अपमान है और ये एक देशभक्त अपमान है, सरदार वल्लभ भाई के सपना अपमान है और साथ पूरे स्वाभिमानी पटेल समाज भी अपमान करने का काम किया है। पटेल समाज इनको इसका जवाब आने वाले चुनावों में जरूर देगा। देश में लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की महंगाई से अब लोगों को राहत देने के लिए कई कंपनियों की इलेक्ट्रिक स्कूटी या मोटर बाइक बाजारों में आ रही है। इसके लिए मथुरा में भी बाजारों में या फिर अपने छोटे मोटे काम करने को मोटरसाइकिल से रोजाना सैकड़ों रुपए का पेट्रोल फूकने से निजात मिल सकती है, जिसके लिए कृष्ण जन्मभूमि के लिए लिंक रोड पर कृष्णा चाहर ने अपने एक बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी शोरूम का उद्घाटन किया है। हमारे भाई मरारी कुंतल जी जो दत्या वाले हैं, उन्होंने ईवी टेक जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है उसकी एजेंसी जन्मभूमि लिंक रोड पर खोली है। समय को देखते हुए आवश्यकता है इस स्कूटी की, क्योंकि आए दिन डीजल और पेट्रोल के भाव दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। गरीब पेट्रोल का वाहन नहीं चला सकता है, डीजल का वाहन नहीं चला सकता है, तो उसको देखते हुए हमारे जो शहर में ज़्यादातर रहने वाले लोग हैं उनकी पूर्ति ईवी टेक स्कूटी ये करेगी। ये इलेक्ट्रिक बाइक है, स्कूटी है, और इसका मतलब पेट्रोल डीजल की महंगी कीमतों की वजह से
और ये एक एक रुपये में ये मान लो एक दो यूनिट इसकी वो लगेगी, उससे ये मतलब चार्ज हो जाएगी, रात को चार्ज कर लो तीन घंटे इसका 70 किलोमीटर ये चलेगी, और इससे मतलब ये समाज में बहुत अच्छा मतलब प्रभाव पड़ेगा। मेरठ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर सरधना पुलिस ने 5 लाख की चोरी का खुलासा किया। आपको बता दें कि 29 अक्टूबर की रात में थाना सरधना क्षेत्र में संजय कुमार जैन के घर में लाखों की चोरी हुई थी। पुलिस ने दो दिन बाद ही चोर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से चोरी का भी सामान बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि चोर पहले संजय कुमार का ड्राइवर था, फिलहाल पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मेरठ का ये पूरा मामला, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही लाखों की चोरी की घटना को अंजाम यहां पर दिया गया था और इन चोरों की तलाश पुलिस काफी दिनों से कर रही थी और आखिरकार पुलिस को सफलता हाथ लगी और पुलिस ने इनके पास से काफी ज्यादा संख्या में सामान भी बरामद किया है, मोटरसाइकिल बरामद की है, इसके अलावा इनको गिरफ्तार भी कर लिया है। आदि संजय जैन जो मुलेड़ा के रहने वाले हैं, उनके यहाँ चोरी हुई थी, जिसमें काफ़ी मात्रा में नगद और जेवरात चोरी हुए थे। आज दिनांक 1/11/2021 को अभियुक्त चरण जो साथी चोर है वो पकड़ा गया है। काफ़ी गहनता से पूछताछ की गई तो उसके पास से संजय जैन के यहाँ जो चोरी का माल जेवरात थे लगभग 4 लाख रुपए के और लगभग 80,000 कैश बरामद हुआ है। सरधना पुलिस का बहुत सराहनीय काम है। पीलीभीत में आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। वहीं मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर जिलाधिकारी पुलकित खरे ने मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा वोटर हेल्प ऐप का भी शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन शहर के डिग्री कॉलेज में किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, साथ ही कई नुक्कड़ कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं। आपको बता दें कि 27 नवंबर तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, साथ ही इस कार्यक्रम के जरिए 1 जनवरी 2022 को आयु पूर्ण हो रहे मतदाताओं को सूची में जोड़ने का कार्य भी किया जाएगा। तो पीलीभीत की तस्वीरें आप देख रहे हैं ऐप का, जहां पर शुभारंभ किया गया और इसके तहत ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नुक्कड़ नाटक भी यहाँ पर किया गया है, मतदाता जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाई गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। सभी देशवासियों को बहुउद्देश्य किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड औरंगाबाद हरिद्वार के अध्यक्ष अश्विनी कुमार और सचिव प्रवीण कुमार की ओर से दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों से अपील है कि भाईचारे के इस पर्व को सभी लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मिलजुल कर त्योहार मनाएं। दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को बहुउद्देश्य किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड पथरी हरिद्वार के अध्यक्ष महावीर सिंह रावत और सचिव प्रताप सिंह की ओर से दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों के इस पर्व को सभी देशवासी मिलजुल कर मनाएं। सभी देशवासियों को बहुउद्देश्य जमालपुर कला किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड हरिद्वार के अध्यक्ष अनिल कुमार और सचिव विश्वनाथ की ओर से दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी प्रदेश और देशवासियों को बहुउद्देश्य किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड भाद्राबाद हरिद्वार की ओर से दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों से अपील है कि भाईचारे के इस पर्व को सभी लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाएं। आप सभी क्षेत्रवासियों को, इस प्रदेशवासियों को, मेरे देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली के इस पर्व पर आप सब लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस दीपावली के उत्सव को मनाएंगे, ऐसी मेरी आशा और अपेक्षा है। एक बार पुनः सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, भैया दो छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर बी दास, सर्जन, पीलीभीत, आप सभी को, पीलीभीत वासियों एवं समस्त देशवासियों को धनतेरस, दीपावली वह गंगा स्नान के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं।
आप लोग सभी अपना त्यौहार बहुत अच्छी प्रकार से मनाएं तथा ध्यान भी ये भी रखें कि कोरोना का समय चल रहा है और इस समय सभी लोग दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर बिल्कुल ना जाएं, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें, दूरी बनाकर रखें। तथा मैं ये भी सबसे अनुरोध करता हूं कि आगामी आने वाले चुनाव में सभी लोग अपना कीमती वोट उचित कैंडिडेट को अवश्य दें। मैं दुर्गाचरण गुप्ता और पन्ना भैया सभी क्षेत्रवासी व प्रदेशवासियों को धनतेरस व दीपावली और भैया दूज और गंगा स्नान जैसे पावन पर्व सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हेमराज वर्मा, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश। साथियों, सभी क्षेत्रवासियों के लिए, प्रदेशवासी और देशवासियों के लिए धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और गंगा स्नान जैसे पावन पर्वों की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो मतदाता पुनरीक्षण सूची का विशेष अभियान नवंबर के महीने में चलाया जा रहा है, उसमें जिन जिन लोगों के वोट छूट गए हैं वो सभी अपने वोट जरूर बनवाएं और लोकतंत्र के महापर्व 2022 के विधानसभा के चुनाव में सभी लोग मतदान भी अवश्य करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। मैं शुएब खान, 127 विधानसभा प्रत्याशी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। आप सभी देश व प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, गंगा स्नान जैसे पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सबसे पहले तो सभी प्रदेशवासियों को, सभी रुड़की वासियों को विनय विशाल परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की, भाई दूज की। ईश्वर करे इस बार सभी प्रदेशवासियों के लिए, सभी नगरवासियों के लिए यह त्यौहार खुशियों भरा हो, सुख भरा हो। जैसा कि आपको मालूम है, आजकल आप अखबारों में भी पढ़ रहे होंगे, साथ में आपके माध्यम से भी लोगों को अवगत कराया जा रहा होगा, डेंगू इस समय काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप ले रहा है। उसके लिए बचाव अति आवश्यक है। घर के आसपास सफाई रखें, कूड़ा ना जमा होने दें, मच्छर मार दवा का छिड़काव करें, वह हल्का सा बुखार आने पर ही अपनी जाँच तुरंत करें, वह डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसमें प्रदेश सरकार की द्वारा भी योजना चलाई जा रही है, वह अटल आयुष्मान योजना भी चल रही है, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई फाइनेंशियली उतना साउंड नहीं है तो अटल आयुष्मान योजना में भी, विनय विशाल अस्पताल में भी आके अपना उपचार ले सकता है। दीपावली की सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अच्छाई से बुराई की ओर, अंधेरे से रोशनी की ओर हम लोग जाएंगे। दिवाली हमारा त्यौहार है। दिवाली लोग हर्षोल्लास मनाएं, ग्रीन दिवाली मनाएं और सबसे प्रेम करें, सबकी सेवा करें। यही संदेश देना चाहूँगा कि दिवाली पर संकल्प लें कि हम लोग अच्छा काम करेंगे और देश के हित में सोचेंगे। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। जय हिंद, जय भारत। दीपावली पे हम सबसे पहले पूरे भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और सभी को एक सलाह देते हैं कि कोई भी पटाखे ना चलाए और कोई नशाखोरी ना करे, शांतिपूर्वक ये अच्छा मतलब पूरे भारतवर्ष